और यहाँ आते हैं लोग अपने मुस्तकबिल के रंगीन ख्वाबों को हकीकत बनता देखने। हकीकत जो जरूरी नहीं कि उतनी ही खूबसूरत हो जितना कि ख्वाब था। ये मनाजिर एक बरतानवी फिल्म प्रोवोक्ड से लिए गए हैं। 2007 में बनने वाली ये फिल्म करणजीत नाम की एक खातून की हकीकी जिंदगी पर मबनी थी, लेकिन ऐसी कई कहानियां हमारे और आपके दरमियान भी मौजूद हैं। तो मेरी पूरी थिंकिंग, माय होल थिंकिंग, माय होल साइकी वाज गियर्ड टुवर्ड्स प्लीजिंग माय हस्बैंड सो दैट ही वुडंट बीट मी। आज हम आपके लिए रत्ती सूद की कहानी लेकर आए हैं, जिसने कई साल पहले एक अजनबी मुल्क में अपने लिए जिंदा रहने और सर उठाकर दुनिया का सामना करने का फैसला किया। मैं बॉम्बे से हूँ, मुंबई एज इट इज़ नोन नाउ। मुंबई में मैंने अपनी पूरी एजुकेशन की है। जब मैं छोटी थी तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं बड़ी होकर क्या बनना चाहती हूँ। मुझे मालूम था कि मैं मीडिया में काम करना चाहती हूँ। I was a journalist, I was a account manager, I was a public relations professional. Arranged marriage thi, mere parents aur mere ex-husband ke parents, they met me, they liked me. My ex-husband was in the United States at that time. Hum dono ki mulaqat hui, next day mere aur mere ex-husband ki, next day we got engaged, and then a year from then we got married. शादी बॉम्बे में हुई, अमृतसर में हुई, दिल्ली में हुई। आई थिंक माई पेरेंट्स गेव मी द बेस्ट वेडिंग एवर अ गर्ल कुड पॉसिबली गेट। मगर इस ख्वाब की उम्र ज्यादा लंबी नहीं थी, 4 महीने 20 दिन और कुछ ही घंटे। मैं मिनेसोटा में आई थी इन द डेप्थ ऑफ विंटर, जनवरी में। तो ठंडी, बहुत ठंडी थी। एक तो it was -degrees Fahrenheit, bahut 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 thandi thi. Then at the time that I landed, meri sister-in-law aur uske bacche aaye the mujhe lene ke liye, kyunki my ex-husband was in Boston. Within a couple of hours, kuch hi ghanton mein the abuse started. Usne mujhe mara, usne mujhe peeta. It was a family thing for him. His father was an abuser, so that's the way he knew things were right. उसके उसका भाई जो उसे 7 साल बड़ा था, वो और उसकी वाइफ, माय सिस्टर इन लॉ एंड द टू किड्स, यूज्ड टू विजिट अस ऑफन। सो दैट वाज द ओनली आउटसाइड ह्यूमन कांटेक्ट दैट आई हैड अपार्ट फ्रॉम माय हस्बैंड। आई न्यू समथिंग वाज नॉट राइट। दाल में कुछ काला था। आई वाज वेरी वल्नरेबल एट द मर्सी ऑफ दिस मैडमैन, एट द मर्सी। उसके पाँव में मैं गिर पड़ती थी कि मुझे क्या करूँ, मैं क्या करूं कि आप मेरे से खुश हो और आप मुझे मारे नहीं। जब आदमी हाथ उठाता है एक औरत पर कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस, डज दिस मैन लव मी, इफ सो इफ ही लव्स मी व्हाई इज ही डूइंग दिस टू मी, व्हाई इज ही हर्टिंग मी, डर होता है एकदम, डर, यू फ्रीज। अगर कोई भी किसी पर भी हाथ उठाता है, the first reaction is andar gut se ekdam andruni awaaz sehm jati hai, jo bhi aap kehna chahte ho ya jo bhi aap mid sentence mein ho, wo it dies down. What did I do wrong to provoke such a reaction from him? You're going to sit and do this analysis probably in the middle of the night. The first reaction is always a fear, dar paralyzes you. Main bhag gayi wahan se, main itne abuse withstand nahi kar pai. Even now, thinking about it now, my hands are shivering because it's pretty traumatic experience for me to live. Ratti jis visa par Ambika aayi thi, wo unke baqaul Ambiki hukumat ka sabse mehdood visa hai. Jo H4 visa banaya hai, wo sabse limiting visa hai is country mein, I honestly feel, because I was on that visa, main us visa mein reh chuki hoon for an extended period of time. उस वीज़ा से हमें सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं मिलता है, विच इज़ द की टू गेटिंग एवरीथिंग इन दिस कंट्री। सो कॉन्सिक्वेंटली मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं था, बैंक अकाउंट नहीं होने से पैसे नहीं थे, सोशल सिक्योरिटी नंबर से एम्प्लॉयमेंट, आई कुडंट गेट माई सेल्फ गेनफुली एम्प्लॉयड एनीवेयर। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश से शादी होकर अमरीका आने वाली बहुत सी लड़कियों की तरह रत्ती का अमरीका में ना कोई रिश्तेदार था ना कोई जानने वाला।
जिस वाहिद इंसान को ये जानती थी उसी से जान बचाकर भागना चाहती थी। जो अंदर की आवाज होती है दैट शुड एक दिन फॉर मी जस्ट वेंट आउट लाइक अ लाइट बल्ब। मैं भी एक वैसी एक औरत हूँ जो यहाँ आई, जो अब्यूज हुई, H4 वीजा में थी, कोई काम नहीं कर सकती थी। उनके लिए मैं कहूँगी कि जस्ट रीच आउट टू समवन हुम यू नो, जस्ट रीच आउट टू समवन हुम यू कैन ट्रस्ट, रीच आउट, जस्ट रीच आउट। रति का मुश्किल वक्त खत्म हो गया है। आज ये मैरीलैंड की एक कंपनी में रिसर्च का काम करती हैं, अपने मकान की खुद मालिक हैं, बेहतरीन गाड़ी चलाती हैं, और इनका ख्याल है कि अगर उस वक्त इन्होंने हिम्मत से काम ना लिया होता तो आज ये अपनी कहानी सुनाने हमारे दरमियान मौजूद ना होती। आई एम एन एग्जाम्पल दैट आफ्टर आई गॉट आउट ऑफ माई मैरिज लाइफ जस्ट गॉट बेटर फॉर मी। जिंदगी सुनहरी बन गई, जिंदगी कुडन्ट जस्ट गेट एनी बेटर। लेकिन रति ने अपनी जिंदगी में आसानियां पैदा होने के बाद भी अपने जैसे हालात का शिकार औरतों की मदद के लिए आवाज बनने का फैसला किया। अब रति रियासत मैरीलैंड में घरेलू तशद्दुद से बचकर पनाह हासिल करने वाली औरतों के एक सेंटर में रजाकाराना तौर पर भी काम करती हैं और समझती है कि इस अजनबी मुल्क के आसमान ने इन पर जो मेहरबानी की उसे इन्हें वापस भी लौटाना है। When I was going through my counseling in the domestic violence center of Howard County, I met with a lot of similar women in my situation who were Americans, who were Asians, who were Africans, basically a microcosm of people from around the world. Listening to them, to their struggles, to how they coped with it and how they escaped, gave me strength, gave me hope. I was at the starting, they'd almost reached the finish. And today I'm proud to say that I'm at the finish and I'm helping, giving back to them and helping the people who helped me out when I was at that vulnerable stage. और रति ने मदद के लिए जो दरवाजे खटखटाए उनमें से एक था ताहिरी जस्टिस सेंटर का ये दरवाजा। Because Rati was brave enough to call the police and report her husband's abuses to law enforcement, she became eligible for a visa called the U visa.